यस सर, रुख रुख एक नाम से इमोशन प्रेजेंट करती है सर, इस मूवी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, ये फिल्म जो है एक मिडिल क्लास परिवार के बारे में है। उस परिवार में एक बच्चा है जो 15-16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है, हॉस्टल में। वो उसको पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और लोगों ने कहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है, और ये बच्चा मानने को तैयार नहीं है कि उसके पिता ने सुसाइड किया है। तो पूरी फिल्म में वो पिता के मौत के कारण का सच जानने के लिए वो यात्रा करता है, और जो जो चीज़ें उसको पता चलती हैं अपने पिता के बारे में, या पिता से जुड़ी, या अपने परिवार के बारे में, या फिर पिता के दोस्त के बारे में, जो जो पिता चीज़ें पता चलती हैं उससे पिता से वो और भी नज़दीक होता जाता है। लेकिन कल की बात में और आज की बात में फ़र्क ये है कि इस समय उसके पिता उसके साथ में नहीं है, वो मर चुके हैं। तो इस फिल्म में सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है, एक आम कहानी है, आम लोगों की कहानी, आम परिवार की कहानी है, उनके संघर्ष की कहानी है, और कैसे एक पिता जो रोज़ी रोटी कमाता है किस 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 परिस्थितियों से गुजरता है, क्या क्या हो रहा होता है उसके ऊपर में, ये किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। अतानु मुखर्जी सर, सर उनकी डेब्यू फिल्म, उनके साथ काम करके उनका एक्सपीरियंस ऐसा लगा, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए सर? अतनु मुखर्जी, मेरे हिसाब से, मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर ऑफ माइंड, क्योंकि उनका कहानी कहने का अंदाज़ बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अनोखा है, बहुत ही सिंपल है। वो कहते हैं ना कि सिंपल सी चीज़ ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, तो वो इतने सिंपल हैं अपने कहानी कहने को लेकर के और अपने डायरेक्शन को लेकर के, उसको अचीव कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही ये अचीव किया है। तो मैं आगे भी, मैं हर बार कहता हूँ कि अतनु मुझे अगली फिल्म में ज़रूर रखना तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और काम करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उनसे सीखने का बहुत मिला मुझे, जितने समय भी हमने शूटिंग की उसमें बहुत सारा सीख करके बाहर आया हूँ, और बहुत ही फ़ख्र है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। जैसे कि ये रुख मूवी एक बॉन्डिंग दिखाती है एक फादर की और एक सन की, रिसेंटली एक ऐसी मूवी आई सैफ सर के, शेफ सर, उससे क्या डिफरेंट मिलेगा सर इस? पता नहीं, शेफ तो देखी नहीं है मैंने, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह पाऊँगा आपको कि जब फिल्म शुरू होती है, रुख तो फादर है ही नहीं, वो मर चुका है। वो सारे जो मेरे सीन्स आएंगे वो फ्लैशबैक में वाले सीन्स आएंगे, उसमें आपको उसके पिता के बारे में जानकारी मिलती है। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट रोल था, क्योंकि जो भी द्वंद उस पिता के अंदर में हो रहा है, जो भी परेशानी से गुजर रहा है, वो किसी को कह नहीं पाता है, किसी को बोल नहीं पाता है। नहीं कह पाना, नहीं बोल पाना, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है एक एक्टर के लिए, और जितने सारी परेशानी से, जितने सवालों से वो गुज़र रहा है, उसको आँखों के ज़रिए और चेहरे के ज़रिए कैमरे के सामने लेकर के आना, उसके लिए एक पूरी तैयारी होती है। वो तैयारी सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं आती है, या स्क्रिप्ट पढ़ने से सिर्फ नहीं आती, बल्कि कैरेक्टर को गंभीरता से सोचने और उस पर काम करने से ही आ पाती है, या पूरे तरीके से डूब जाएं अगर आप रोल में, तभी आ पाता है। सर मूवी में देखा जाए, जैसा कि हमने ट्रेलर देखा, एक मिडिल क्लास एक लड़के को दिखाया है जो कि एक लोकैलिटी को फेस करता है, सर्वाइव करता है, सर उसमें आपका कैरेक्टर कैसा है? जी, मेरा कैरेक्टर एक पिता का है, मध्यम वर्गीय, एक ऐसा पिता जो बहुत ही मजबूत है, कोई कभी भी अपनी परेशानी को किसी से बोलता नहीं है। वो अपने पिता के बहुत करीब है, अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है उसने, अपने बीमार पिता को बहुत समय भी देता है, और वही उसी तरह का पिता वो बनना चाहता है अपने बेटे के लिए। वो लेकिन हर बार जो है परेशानियों से गुजरता है, दोस्ती में बहुत विश्वास करता है, इतना विश्वास करता है कि वो कभी दोस्त और दुश्मन में भी फ़र्क नहीं समझ पाता है। बहुत अच्छा पति है और हर चीज़ अपनी पत्नी के लिए करना चाहता है, लेकिन सफल होता है, असफल होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जद्दोजहद में, हर दिन जद्दोजहद में लगा रहता है, संघर्ष में लगा हुआ है, हर बार ज़िंदगी उसको धोखा देती है, लेकिन फिर भी वो टूटने से इनकार करता है। सर गौरव जो कि इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं, सर उनका टैलेंट तो हमने बहुत देखा है, कुछ अंदर की बातें बताना चाहेंगे उनके बारे में? आदर्श अभी छोटा बच्चा है और बहुत ही पैशनेट है, बहुत रेस्टलेस है,
बहुत कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उम्र उसके साइड में है। अभी बहुत अभी 21 साल का 22 साल का लड़का है, और मैंने उसको सिर्फ इतना कहा था कि तुम किसी कोई कोर्स कर लो, और उसने जा कर के एक साल का कोर्स भी कर लिया। और अभी भी मैं उसको बोल रहा था कि अभी भी 3-4 साल है तुम्हारे पास में, तुम जा कर के कोई और भी कोर्स करो, क्योंकि यही यह समय है। और वो करने को तैयार है। इसका मतलब ये कि वो जुनूनी आदमी है, वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, और उसके लिए मेहनत करने के लिए भी तैयार है। सर मनुष्य जैसे हमने देखा है, हम नवाजू सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपकी तरह आप और वो मोस्टली निगेटिव रोल करने के लिए आप माने जाते हैं, आप बहुत पॉपुलर वो चीज़ के लिए। लेकिन रिसेंटली नवाजू सर ने बोला मुझे रोमांस करने मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे रोमांटिक मूवी करना मुझे पसंद है, मैं वही करूँगा। सर आपका क्या राय है उस पर? सपोज आपको आपकी क्या उसमें मत है ये चीज़ पे, अगर रोमांटिक मूवी आपको दी जाए तो? मैं इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करता। हर रोल में रोमांस भी होता है, हर रोल में ग्रे शेड भी होता है, हर रोल में हर खूबी होती है। इसलिए रोमांटिक फिल्म करना या कॉमेडी फिल्म करना, इन सब चीज़ों में मैं विश्वास ही नहीं करता। सरदार खान आपको हंसाता भी है, सरदार खान रोमांटिक भी है, तो या भीकू महात्रे हो, या फिर मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर सीरस अलीगढ़ का उससे ज़्यादा रोमांटिक कोई रोल मैंने किया है। तो ये अपने अपने सोचने के ऊपर है। मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। नवाज़ करना चाहते हैं और वो करेंगे भी, अच्छा करेंगे जो वो करना चाहते हैं, और कर भी रहे हैं। तो सबके सोचने का नज़रिया, सोचने का तरीका अलग होता है, मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। सर हमारी इंडस्ट्री एक बहुत बहुत बड़े डायरेक्टर थे कुंदन शाह, उनका रिसेंटली निधन हुआ सर, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से कुंदन शाह हमारे समय के बड़े अनोखे किस्म के निर्देशक थे, बहुत बड़े थिंकर थे। लेकिन उनकी अगर आप फिल्में देखें, जाने में दो यारो, उस फिल्म ने बहुत ही मुश्किल से वो फिल्म बनी थी, लेकिन जिस तरह का इतिहास उस फिल्म ने रचा था, या कभी हाँ कभी ना, वो जो उनकी फिल्म थी शाहरुख और सुचित्रा के साथ में, इतनी बढ़िया फिल्में, क्या कहना। इस तरह की फिल्में जो उन्होंने बनाई, उसमें सिर्फ एक रोमांस या कॉमेडी नहीं, बल्कि उसमें उससे भी आगे जाकर के बात करते हैं, वो समाज के बारे में बात करते हैं, समाज के जो टैबूज हैं उसके बारे में बात करते हैं, बहुत सारी जो गलत रीतियां हैं उनको सवाल करते हैं। सिर्फ वो एंटरटेन करने के लिए, जिसे कहें कि हंसाने के लिए या रोमांस दिखाने के लिए फिल्में नहीं बनाते थे, उसके साथ साथ एक मैसेज देते थे, एक अपनी सोच लोगों के सामने लेकर के आते थे। दुख की बात यह है कि ऐसे निर्देशक का जीते जी कोई उसकी कदर नहीं हुई। वो शायद हमारे इंडस्ट्री की एक प्रथा है कि हम बड़े बड़े टैलेंट्स की, प्रतिभा की, जीते जी हम उनकी कदर नहीं करते हैं, उनके मरने के बाद हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सर आज डेट ऑफ 11 अक्टूबर है, आज वीक बी जो बॉलीवुड के बॉस हैं माना जाए तो, उनका आज जन्मदिन है सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? अमित जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अमित जी आप हज़ारों साल जिए, और ऐसे ही मेरे जैसे कई सारे अभिनेताओं को आप प्रोत्साहित करते रहें, उत्साहित करते रहें। आपसे बहुत कुछ सीखा है, बचपन में आप ही की फिल्मों को देख करके अभिनेता बनने का एक ख्वाब जगा था, और उसके लिए हमेशा मैं आपका ऋणी रहूँगा। मैं जानता हूँ कि आप कहीं पर अपना जन्मदिन मना रहे होंगे, और इस जन्मदिन को मनाते हुए हमेशा सोचिएगा कि मनोज वाजपेयी आपका सबसे बड़ा प्रशंसक है जो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। सर अमित जी का कोई एक डायलॉग जो आप नहीं कर पाते। दिवाली आ रही है, दिवाली में क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? दिवाली पे मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि सब लोग मिठाइयाँ बांटें, पूजा करें, लोगों से प्रेम बांटें, कोशिश करें कि पटाखे ना खरीदें, क्योंकि उससे अच्छा है किसी गरीब को वो पैसा दें, क्योंकि पटाखा तो आपका एक सेकंड में फट जाएगा और इस धरती को बहुत सारा प्रदूषण दे के जाएगा। लेकिन जो 20 रुपये का चावल या 50 रुपये का चावल दाल अगर किसी गरीब को देंगे, तो उसका बहुत दिन का खाना भी हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।